नमस्कार सभी मैकेनिक भाइयों को। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा मुश्किल था। ये गाड़ी जो हमारे पास आई थी, लगभग एक सप्ताह कहीं और खड़ी होके वायरिंग न्यू चेंज करके आई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। सीएनजी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी थोड़ी। इसमें ये समस्या निकली कि जो इसके फ्लाईव्हील के टीथ हैं, जो क्रैंक सेंसर को सिग्नल देते हैं, वो इसके ख़राब निकले। देखिए जगह जगह से टूट रहे थे। इसमें कई बार सिग्नल जो है क्रैंक सेंसर दे देता था, कई बार नहीं देता था, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होने को होती थी लेकिन फिर रुक जाती थी, या कई बार एक नंबर प्लग के अंदर ही करंट रह जाता था। ये सीएनजी गाड़ी है तो हमने इस समस्या को देखा। इसका जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो टूट के, इसका होजिंग भी टूट गया और इसके जो टीथ हैं ये भी टूट गए थे। इस वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इस कमी के कारण किसी भाई ने इसके जो हैं सारी तो वायरिंग न्यू चेंज कर दी थी, इसका हेड भी खोल दिया, रिंग भी डाल दी इसके अंदर। तो फिर एक हफ्ता खड़े होने के बाद जो हमारे पास आई थी ये गाड़ी, तो हमने देखा कि इसका जो है फर्स्ट नंबर प्लग के अंदर करंट नहीं था। ये महिंद्रा की बोलेरो है, सीएनजी गाड़ी है और इसके अंदर मतलब प्लग के अंदर करंट कभी आ जाता था कभी नहीं, तो इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये जो 15-20 हज़ार रुपये का, 30 हज़ार रुपये का जो व्यर्थ का खर्चा था रिंग का, वायरिंग का, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये हमने दोबारा दूसरा लिया है और ये डालने के बाद हमारी गाड़ी फिट होगी, बिल्कुल स्टार्ट अच्छी तरह से हुई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।